लोकसभा चुनाव के कारण जो भर्तियां अटकी थीं अब वो आएंगी। कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, कब तक आएंगी, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलटी की जो वेटिंग लिस्ट थी 75 पदों के लिए वो आएगी। दूसरा, वाहन चालक के 174 पद लटके हुए हैं, उनकी डीबी और उसके आगे का फाइनल रिजल्ट का काम वो अटका हुआ है। कर्मशाला अनुदेशक के 16 पदों पर जो है वो भर्ती है उसका अटका हुआ है, और जनजाति कल्याण विभाग के 14 पदों के लिए। ठीक है, तो ये टोटल आप देख सकते हैं जिनमें से 250 से ऊपर टोटल पद हैं। कारण क्या है कि भर्ती प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिल गई है। 279 पदों पर जो है संस्तुति करने जा रहा है चयन आयोग। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिसके कारण नई चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं। तो चुनाव आयोग से परमिशन लेके आप आगे के कार्य कर सकते हैं। इसी संबंध में आयोग ने जो है चुनाव कमीशन से जो है इलेक्शन कमीशन से इसकी परमिशन ले ली है। अब SSSC LT वाहन चालक और उसके अलावा कर्मशाला अनुदेशक और जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित जो पद हैं उन पे जो है आगे का कार्य करेगा। इसमें सिर्फ चयन की सिफारिश भर की जानी है, लेकिन आचार संहिता के कारण यह काम रुक गया था। उत्तराखंड में ऑलरेडी इलेक्शन हो गया है, इस वजह से आयोग ने जो है यहाँ पर परमिशन मांगी है। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्मिक विभाग के जरिए निर्वाचन आयोग ने चयन सिफारिश के साथ ही PRD में व्यायाम प्रशिक्षक और संग्रह आमीन के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति मांगी है। यानी कि जो दो अलग से भर्ती हैं उनकी भी जो है परमिशन यहाँ पर मिल गई है। अध्यक्ष जो है जीएस मार्तोलिया साहब ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। तो आप देख सकते हैं अनुमति दे दी है। इस कारण आयोग इसी सप्ताह 4 विभागों के लिए अंतिम चयन सिफारिश जो है करने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग के स्तर पर चयनित युवाओं को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। LT के लगभग 1544 पदों के सापेक्ष इस बार आयोग के पास 52,000 आवेदन आए हैं। आयोग ने 22 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जो 22 अप्रैल को समाप्त हो चुकी। इस बार LT 2021 की भर्ती के मुकाबले कम आवेदन आए हैं। LT लिखित परीक्षा जो है आपकी 30 जून को होने वाली है। इसी तरह से व्यायाम परीक्षक के लिए जो 60 पद हैं जनवरी में आवेदन हुए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा के बाद 60 पदों के सापेक्ष कुछ 44 युवा ही दस्तावेज सत्यापन करने पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब जो 279 पोस्टें अटकी हुई थी उनका जो है सत्यापन वेटिंग तमाम हो गए। उसके अलावा PRD और उसके अलावा व्यायाम परीक्षक, उसके अलावा आमीन से रिलेटेड जो जितने भी पद हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, और नई भर्ती के लिए भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।